जी तो गाइस हमारे साथ एक भाई मुझे तो उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नाम आपका? इमरान अली खान। मेरा नाम संतोख। सनी। आसिफ हारून। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ छोटी सी। ठीक। उस वीडियो में ये है कि इंडिया के लोगों से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं, चाहेंगे? तो उनका वो बड़े प्यारे प्यारे रिव्यू आए हैं। कोई यहाँ की पब्लिक की तरह किसी ने नेगेटिव बताया तो किसी ने पॉजिटिव बातें की हैं। आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। जी ठीक है। ठीक है, चलिए वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, आज हम आए हैं सीपी और आज हम जानेंगे इंडियंस के व्यू रिगार्डिंग पाकिस्तान की, उन्हें पाकिस्तान में क्या पसंद है और वो पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं, चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं और क्यों नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम उनकी एक एडवाइस भी पहुंचाएंगे पाकिस्तान। सौम्या, मैं आपसे बस कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ अबाउट पाकिस्तान। आपको एक चीज़ पसंद है जो पाकिस्तान के बारे में आप दोनों को पसंद होगी, कोई भी ऐसी चीज़ है? वहाँ का जेस्चर, जो मतलब हॉस्पिटैलिटी, जो बहुत सेम है। इंडिया में भी वही हॉस्पिटैलिटी है, पाकिस्तान की भी वही हॉस्पिटैलिटी है। वो लोग भी गेस्ट को बहुत ऑनर करते हैं, बस यही चीज़ है। आपका? जैसे जो नॉर्मल पीपल है वो भी जो यही चाहते हैं, जो हम चाहते हैं पीस। सो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये चीज़ हम दोनों में ही कॉमन है बहुत। कोई भी चीज़ पसंद नहीं है मुझे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है उनमें। एक्चुअली मैं आज तक वहाँ गया नहीं, तो इसलिए मुझे जाने में ना वहाँ का कुछ सोचने में ही बड़ी दिक्कत है मुझे। मैं तो वैसे ही इंडिया में, तो मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मैं वहाँ के लिए मैं कुछ सोचता ही नहीं हूँ। नो, कुछ भी नहीं। कुछ भी राइट है, कुछ भी पसंद नहीं। पहली बात तो आई थिंक द नेचुरल ब्यूटी। बजरंगी भाईजान वाले पाकिस्तान अच्छा था। आई कैन थिंक ऑफ नथिंग। नथिंग, इतना सोचा नहीं कभी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को तो कुछ ऐसा पसंद ही नहीं है, कुछ भी नहीं। देखा जाए तो वहाँ के जो क्या कहते हैं क्रिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, बस वही लोग अच्छे लगते हैं और कोई नहीं। वैसे टेररिज्म कंट्री है, इसलिए मैं कभी पसंद भी नहीं करता वहाँ जाना। अगर आपको एक मौका मिलता है पाकिस्तान विजिट का, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप जाओगे पाकिस्तान? सब कुछ फ्री है, चल लेंगे उसमें क्या? फ्री है तो चल लेंगे। ओके, यस ऑफ कोर्स। सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे? थोड़े तो होंगे, बट मैनेज कर लेंगे उसमें। बिल्कुल नहीं। रीजन क्यों नहीं जाएंगे? बस नहीं जाना, बेकार कंट्री, एकदम एकदम बेकार कंट्री है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनका नेचर थोड़ा सही नहीं है तो। बट क्यों नहीं जाओगे यार, क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ तो मिल रहा है, बस किसी का मन ही नहीं होता जाने का, क्योंकि वो वैसे हमारे साइड है ही नहीं। नहीं, पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करेंगे तो कैसे जाएंगे? पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। अगर मुझे सुसाइड करना हुआ तो मैं इंडिया में कर लूंगा, मैं वहां को जाऊंगा। नॉर्मल बात है तो। ओके, नो, नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब कुछ फ्री मिले, फ्री अकोमोडेशन, फ्री, बिल्कुल नहीं जाना। कभी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बिल्कुल नहीं जाना, बिकॉज दे आर सिक्योरिटी रीजन। नो, नॉट फॉर सिक्योरिटी। पाकिस्तान पीकेएमबी। आई डोंट थिंक सो। हां, जाऊंगा मैं तो। जाओगे? हां। क्यों? अगर डर नहीं लगेगा, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं लगेगा? शक्ल से थोड़े ना पता चलेगा इंडियन हो पाकिस्तानी हो। इसको कौन परेशान करेगा? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सिक्योरिटी इश्यूज है? नो, बट वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, और ऊपर से दे ट्राई टू कॉपी के लिए विजिट के लिए। नेवर। मेरे को कहीं ऑप्शन मिल गई तो मैं कहीं और बेटर कंट्री में जाऊंगी दैन पाकिस्तान। सेम, इट्स लाइक ऑब्वियसली टेररिज्म एंड ऑल। कभी नहीं, नेवर, पाकिस्तान कभी नहीं। क्यों? आई हेट पाकिस्तान, आई हेट पाकिस्तान। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट पाकिस्तान में जाना नहीं, पसंद नहीं। सिक्योरिटी की वजह से? ना, वहाँ जाने का कुछ मतलब है ही नहीं। okay. कि किस रीज़न से जाए, जा कुछ मिल भी रहा हो वहाँ से हमें, कि कुछ मिलेगा जाओ फ्री, क्या मतलब वहाँ से हमें कुछ भी मिले तब भी नहीं जाना वहाँ तो पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी का शहर है, तो इसलिए मुझे नहीं वहाँ पाकिस्तान कंट्री जाना अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसकी जगह कोई और कंट्री चले जाए, जैसे कि श्रीलंका बेटर है, तो पाकिस्तान है। एशियन में तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं। एज एन इंडियन, अगर आपको एक मौका मिले पाकिस्तानी को एडवाइस करने का, तो वो एडवाइस क्या होगी?
गलत ओपिनियन में मतलब विश्वास मत करो, अपने अपने प्राइम मिनिस्टर का विश्वास मत करो, बस वही ट्रस्ट इश्यूज मतलब ये मत करो, जो वो बोल रहे हैं वैसा ट्रस्ट मत करो कि ऐसे हैं वैसे हैं, अपना ओपिनियन देखो जो इंडियन है वो वी आर, तो वही है, उनके ओपिनियन को ट्रस्ट मत करो अपने। क्या फील किया देखने के बाद? उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है तो वो जाना नहीं चाहते। क्या आप क्या समझते कि पाकिस्तान सेफ है कि नहीं? सेफ है, हम यहाँ पे रह रहे हैं कि सेफ नहीं है? आप लोगों का रिलीजन क्रिश्चियन है, तो आप लोगों ने कभी कोई इस तरह का फेस किया हो कि आप लोगों ने सोचा हो कि कभी फील किया हो कि आप लोगों को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिस तरह की मिलनी चाहिए? क्या फील? नहीं किया। अगर आप बताते हो कि हम क्रिश्चियन है तो लोगों का क्या रद्द अमल होता आप लोगों के लिए? कभी ऐसा फील ही नहीं कराया किसी ने। हाँ, तो वाकई आप मोस्टली फ्रेंड्स मुस्लिम हैं तो ऐसा कुछ हमें पता ही नहीं होता आपस में, हम लोग जब मिलते हैं और ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात तो इंसानियत है और सबसे बड़ी बात को खूबसूरती का, जो कि आप बहुत खूबसूरत हैं। यही बात अच्छी की जी जी, बस खूबसूरती देखो यार, बाकी रिलीजन में और इन चीज़ों को ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए कि इंसान को इंसानियत से ज़्यादा, कहते हैं कि इंसान से वो वाले सवाल नहीं पूछने चाहिए जो अल्लाह ताला ने इंसान से पूछने हैं, इंसान से वो वाले सवाल पूछने चाहिए जो इंसान को इंसान से पूछने चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या आपने खाना खाया, क्या आपको भूख तो नहीं लगी, आप कैसे हैं, ये वाले इंसान से पूछने वाले सवाल हैं। और अल्लाह ताला के पूछने वाले सवाल वो हैं जो इंसान से पूछना अल्लाह ताला ने, कि आपने नमाज़ पढ़ी, क्या आपने रोज़ा रखा, ये चीज़ें अल्लाह को अल्लाह के रहने दो यार, जो अल्लाह ताला ने इंसान से पूछने, इंसानों वाले करो, बहुत प्यारे इंसान। देखें, एक भाई साहब ने कहा कि टेररिस्ट कंट्री, ये बात दिल पॉजिटिव बातें भी तो हुई है ना, नेगेटिव क्यों पकड़े? मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं इंडिया गया था 2011 में। अच्छा, मैं इंडिया में होकर आया, जबरदस्त, वहाँ की मेहमान नवाजी के मज़े उड़ाए, वहाँ के लोग भी हमारी तरह हैं, और मैंने वहाँ पे गुजारे हुए 3-4 दिन बड़ा इंजॉय किया था। लेकिन एक वो भाई ने कहा कि टेररिस्ट कंट्री, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, भाई अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, हमारा मुश्किल वक्त चला था जब एक टेरर वॉर थी इधर, बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया। अब वन निकल आए हम, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी इन पाकिस्तान। कोई भी क्रिकेट टीम आती है दुनिया में, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी उसे पाकिस्तान में मिलती है, वो सेफ फील करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर कहें कि पाकिस्तान टेररिस्ट है और इंडिया बिल्कुल पुरअमन है, तो ऐसा भी नहीं था, हालात इंडिया के भी ख़राब थे, वहाँ पे भी उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज हैं, इंडिया के लोग भी मेहमान नवाज हैं, ठीक है। यहाँ से हम इंडिया जाते हैं तो लोग हमें कंधों पर बिठाते हैं कि भाई पाकिस्तान से हमारा भाई आया है, क्या बात, ठीक है। और वहाँ से जब कोई यहाँ पर आता है, अभी पिछले दिनों की बात है, बैसाखी मेला पर हमारी एक सिख संगत आई हुई है। अच्छा, उनको बड़ी मोहब्बत मिल रही है, ज़बरदस्त, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो करतारपुर जा रहे हैं, वो लाहौर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मनार पाकिस्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की जो नेचुरल ब्यूटी है उसे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। इसी तरीके से जब मैं मोहाली गया था तो वहाँ पे हरीसा खाया जाता है, तो मैंने एक दफ़ा हरीसे का नाम बस लिया और मेरे 3-4 दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, वो मुझे अगले दिन हरीसा खिलाने के लिए ले गए, मोहाली की गलियों में ले गए, वहाँ पे सबको बता रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान से आया है, तो बड़ी मोहब्बत दे रहे थे। मैं किसी भी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदता था, वो मुझसे पैसे नहीं लेते थे। क्या बात है, भाई प्यार और मोहब्बत तो कोई अगर सीखना चाहता है ना, वो इंडिया और पाकिस्तान के लोगों से सीखे। बिल्कुल, लेकिन चंद लोगों के दिमाग में एक चीज़ बिठा दी गई है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान जाने से पहले आप 100 बार सोचें। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी लोग हैं कि वहाँ पे हिंदू इंतहा पसंद RSS के जो गुंडे हैं वो आपको मार देंगे, वो आपके साथ जुल्म करेंगे। Exactly. तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, वहाँ पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान है। उनका जो हिंदू मज़हब है वो भी इंसानियत सिखाता है, हमारा जो मज़हब इस्लाम है दुनिया का खूबसूरत तरीन मज़हब है, हमें इंसानियत सिखाता है, इंसानियत के साथ अच्छा सलूक सिखाता है। तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे के बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने से पहले हमें इस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए कि क्या वहाँ के सारे लोग ऐसे हैं। अगर वहाँ के सारे लोग ऐसे हैं तो आप अपनी एक राय ज़रूर दें कि हाँ जी वहाँ के सारे लोग ऐसे हैं। एग्जैक्टली, बिना रिसर्च के मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं जब इंडिया से एक दफ़ा होके आया हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे पाकिस्तान में बड़ी मेहमान नवाजी देते हैं, वहाँ के लोग भी बड़ी मोहब्बत देते हैं। फील किया आपने? फील ये किया कि वो लोग कुछ सोचते हैं हमारे बारे, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं,
और कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ अच्छा है और बहुत बल्कि 99% अच्छा है। बिल्कुल। तो ये इंडिया वालों को मेरा मैसेज है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जैसा आप सोचते हैं, हम बहुत मेहमाननवाज लोग हैं। अभी देखें हमारी गवर्नमेंट आई है इमरान खान की, उन्होंने आपके सिख बरादरी के लिए रास्ता खोला है करतारपुर बॉर्डर का, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हमने आपको दिया है। हम तो हमेशा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम ऐसी है या हमारे टेररिस्ट के साथ कोई तल्लक है। तो खुदा का शुक्र ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमें भी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। हमें बहुत शर्मिंदगी होती है जब ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान है ऐसी। तो पहले एक टाइम था हमने फेस किया ये जो दहशतगर्दी का निज़ाम फेस किया, उसके बाद अब तो हम सेव हो गए। अभी देखें ना, क्रिकेटर जब बाहर से कोई आता है तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं क्रिकेटर्स को, और खुदा का शुक्र अभी देखें ऑस्ट्रेलिया ने विज़िट किया हमारे मुल्क में पाकिस्तान में, तो बहुत अच्छा रहा और बहुत खुश गए हैं वो लोग सिक्योरिटी के लिहाज से, हर लिहाज से। तो हम तो चाहते हैं इंडिया के लोग आएँ, जैसे कि हमारे अदाकार वगैरह हैं, सिंगर वगैरह हैं, एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, और जब भी आपके सिंगर आते हैं खुदा का शुक्र बहुत खुश जाते हैं यहाँ से, बहुत ज़बरदस्त। आपको भी आना चाहिए, हमारे भी सिंगर आपकी तरफ जाते हैं, अदाकार जाते हैं। पिछले दिनों में आपके हंसराज हंस भाई आए थे, उन्होंने विज़िट किया था। बिल्कुल किया था। तो वो बहुत खुश गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत दिल से आपका वेलकम करते हैं, और ये जो नेगेटिव है ये दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो आपको भी खुदा हमेशा खुश रखे। उधर ज़्यादा नेगेटिविटी है या पाकिस्तान में ज़्यादा नेगेटिव लोग कहाँ पाए जाते हैं और ये क्यों पाए जाते हैं? नेगेटिविटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरी दुनिया नेगेटिव है। लेकिन क्या हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ढूंढेंगे? क्या हमें नेगेटिव चीज़ों में से क्यों ना हम पॉजिटिव, जो नेगेटिव चीज़ होती है ना, पॉजिटिव जो होता है वो हीरा होता है, हीरा होता है, नेगेटिव जो होता है वो गोबर होता है, गोबर होता है। ठीक है, अब गोबर में से हीरे की पहचान करनी पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है। पॉजिटिव लोग अब इस वीडियो के अंदर जो नेगेटिव कमेंट करेंगे वो कौन होंगे वो बताएं आप? अब वो खलाई मखलूक होंगे, वो हीरा होंगे या गोबर होंगे। मैं उनके लिए भी बैड कमेंट पास नहीं करूंगा। अच्छा। उनको भी यही कहूंगा कि आप किसी के अगेंस्ट बात करने से पहले एक दफा रिसर्च जरूर करें। एग्जैक्टली। यार कोई मैसेज देना चाहोगे, कोई पीस का मैसेज दे दो हमें और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को। इन लोगों को पीस की बहुत ज़्यादा आशत ज़रूरत है, ये एक दूसरे के मार धाड़ के पीछे क्यों लगे रहते हैं? देखें, पीस 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 की हमेशा बात की और हमने पीस को ही पीस दिया। ज़बरदस्त। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे की नेगेटिव चीज़ों को बैक पे कर दें, साइड पे कर दें। नेगेटिविटी फैलाने के लिए एक घर होता है ना, एक घर में लड़ाई डालने के लिए ना एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है। बिल्कुल सही। एक छोटी सी बात चाहिए होती है, उस बात को हम बहुत लंबे खींच देते हैं, लेकिन है। उस बात को ख़त्म करने के लिए ना, चल यार छोड़, अच्छी बात करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो हमें दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि आप एक कदम बढ़ाएं हम 10 कदम आगे हैं, तो आप कदम बढ़ा के तो देखिए। यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आपसे भी बड़ी प्यार करते हैं, आपसे भी बड़ा प्यार करते हैं। हमें ये सरहदें खोल देनी चाहिए, एक दूसरे की तरफ विज़िट करना चाहिए। पाकिस्तान से लोग इंडिया जाएं और इंडिया से पाकिस्तान आएं। अभी आप देखें करतारपुर कितना, वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट पीस वाला नज़र आता है। यार क्या खूबसूरत माहौल है, क्या पीस वाला माहौल है। वहाँ के लोग मोहब्बत लेके आ रहे हैं और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत लेके जा रहे हैं। तो हमें मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत देनी चाहिए, तीर नहीं बरसाने चाहिए, मोहब्बत बरसानी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इमरान भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।